प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर सोहेब चौधरी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजी अलाई खान जी, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है, उनको इंटरव्यू रिसेंटली एक हफ्ता पहले ऑलमोस्ट राकर नाइक ने इंटरव्यू दिया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट, खास तौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे, अभी कुछ ही साल पहले मुझसे राबता किया गया, यानी डॉक्टर जाकर नाइक से राबता किया गया, और ये कहा गया कि डॉक्टर साहब आप इंडिया वापस आए, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपके बहुत से फॉलोअर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये आर्टिकल 370 के हवाले से अपनी ओपिनियन दे दें, थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के हवाले से ओपिनियन दे दें, तो आप जैसा बोलेंगे, मतलब ये उनका कहने का ये मतलब था, जैसा बोलेंगे जो बोलेंगे हम आपको वैसा प्रोटोकॉल देंगे। तो इसके ऊपर क्या, इसका मतलब ये कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें ये बोला कि आर्टिकल 370 के ऊपर बात। जी जी, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी अपनी दुकान चलाने वाला जाकिर नायक सबसे पहले भारत में था, जहां से भागा है दुम दबा करके, जिसके ऊपर 100 से ऊपर FIR है, वो उसके नाम से वारंट इशू हुआ है, और भारत के न्यायपालिका से स्टैम्प्ड आतंकी है, स्टैम्प्ड भारत के न्यायपालिका का स्टैंप लगा हुआ आतंकी है। उसके बाद जाकर के मलेशिया में रहा, और जब मलेशिया में भी उसने अपना प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट किया, तो वहां की सरकार ने भी उसको अल्टीमेटम दे दिया कि चल यहां से भी निकल। नाजिया जी, लेकिन इधर मैं क्वेश्चन ये भी करना चाहूंगा, कुछ ही टाइम पहले मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मीटिंग हुई है, बकायदा तौर पे विजिट हुआ है, तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ये अपनी डिमांड रख सकती थी कि भाई हमारे ही देश का, जिसे हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो आपके कंट्री में मौजूद है, तो आप उन्हें हमारे हवाले, लेट्स सपोज, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है जी हाफिज सईद को इंडिया के हवाले किया जाए, दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान को ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले किया जाए, चले मान लिया हमारे तो रिलेशन आपसे बेहतर नहीं, ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन मलेशिया तो ये कर सकता था, तो क्या आपने डिमांड रखी मलेशिया के सामने इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने मानी नहीं, या आपने डिमांड नहीं रखी? क्या ही पता कि हमारे आदरणीय और प्रधानमंत्री और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे अजीत डोवल जी और हमारे ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट ने मलेशिया के सामने यही डिमांड रखा होगा, इसलिए मलेशिया ने अल्टीमेटम दे दिया भगोड़ा जाकिर नायक को, आतंकी जाकिर नायक को, और वो कहां जाकर के बस गया, पाकिस्तान, जिसको पूरी दुनिया से भगाया जाता है वो कहां जाकर के बसता है, पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम को लीजिए, बॉम्बे में उसने बहुत आतंक मचाया, महाराष्ट्र को उसने बर्बाद करने की कोशिश की, और आज भी दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ना जाने कितने फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो नाच रहे हैं, आज भी महाराष्ट्र में ना जाने कितने फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हैं जो दाऊद इब्राहिम की फंडिंग पर आतंकी और जिहादी टाइप के फिल्में बनाते हैं, जिसमें सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन करते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम दुबई पहले भागा, दुबई से भगाया गया, तो फिर वो कहां जाकर के बसा, पाकिस्तान में जाकर के बसा। तो उसी तरीके से जब पूरी दुनिया में जाकिर नायक को एक बालिश जगह नहीं मिली, तो वो कहां जाकर के बुढ़ापे में बसने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने वैसे विजिट का बोला है, देखने वाले जो लोग भी, और डेफिनेटली उनका वो इंटरव्यू काफी वायरल रहा, बहुत से लोगों ने देखा, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने बोला है कि हम, मैं बहुत ही जल्द पाकिस्तान विजिट के लिए आ रहा हूँ। अब वो विजिट के लिए आया जाएगा या फिर बकायदा वहाँ यहीं पाकिस्तान में रहाइश की जाएगी, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में, देखने वाले जरूर बताइएगा। नादिया जी, हम थोड़ा सा अब आते हैं कश्मीर की तरफ, और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे खामोशी छा चुकी है, ताला लग चुका है। मैं अगर पाकिस्तान में खड़ा होके बैठ के ये कहता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जुल्म कर रही है, वहां पे अपने हक के लिए आवाज उठाना बहुत मुश्किल है, और फिर मैं अचानक देखता हूँ कि इंडिया साइड कश्मीर में बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है,
किसके लिए? फलस्तीन के लिए, कि भाई फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को डिमांड की जा रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं कहा या यूनाइटेड नेशंस को नहीं कहा, इंडिया गवर्नमेंट को यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह कहा जा रहा है कि काइंडली फलस्तीन की हेल्प की जाए, और फिर फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी होती है, यानी उम्मीद इस टाइम इंडिया के ऊपर है। रशिया यूक्रेन का मामला हो तो उम्मीद इंडिया के ऊपर है, फलस्तीन और इसराइल का मामला हो उम्मीद इंडिया के ऊपर है। क्या कहना चाहेंगी? पहले कश्मीर वाला पॉइंट क्लियर करिएगा कि भाई वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच समझे, उसका मतलब क्या समझे कि भाई वहां पे कोई भी इवन चाहे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं बहुत प्राउड फील करूंगी कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ और एक ऐसे प्रधानमंत्री के छत्र छाया में और नेतृत्व में काम करती हूँ जहां पर डेमोक्रेसी को, जहां पर सेक्युलरिज्म को और जहां पर ह्यूमैनिटी को सबसे सर्वप्रथम रखा जाता है, और हर कोई अपनी बात को बिना किसी डर भय के रख सकता है। आज पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है, जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आज वो रोड पर चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, नसरुल्ला हिजबुल्ला के मौत पर मातम कर रहे हैं, और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, जम्मू जी एंड कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, और उस इलेक्शन के दौरान में फारूक अब्दुल्ला के परिवार और महबूबा मुफ्ती मुफ्ती ने बड़ा आराम से षड्यंत्र खेला और शियाओं के वोट के लिए उन्होंने मातम में साथ दिया। जो मातम शिया वहां के जम्मू एंड कश्मीर के मना रहे थे नसरुल्ला हिजबुल्ला को अपना नेता मान करके, भारत में बैठे हुए जम्मू एंड कश्मीर के शिया उन्होंने उनको समर्थन दे करके जो थर्ड फेज जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन होने वाला है उसमें उसका साजिश खेला है अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने। और ये मैं इतनी जिम्मेदारी से इसलिए शोएब आपको कह रही हूँ क्योंकि अभी हालिया में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, हिंदुओं की बहु बेटियों का जो बलात्कार हुआ, हिंद और शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को और चड्डियों को जो हवा में उछाला गया, हिंदुओं की जो मंदिरें तोड़ी गई, हालांकि बांग्लादेश में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं चल रहा था, हाँ वो बिल्कुल छात्र प्रदर्शन था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया हिंदुओं पर। तब यही राहुल गांधी, यही अब्दुल्ला परिवार और यही मुफ्ती परिवार ने एक ट्वीट एक्स हैंडल पर नहीं किया, एक भी मुंह से बोली भी नहीं निकली। अब आती है बात कि कश्मीर के आदमी ने कल खुद ही बैठ करके कहा है कि ये जलसा जुलूस करने के लिए 1,000 रुपए उनको मिलता है और टाइम्स अलजेब्रा पे छपा है ना। कश्मीर के मुसलमान। जी, सॉरी, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बकायदा तौर पे हम वीडियो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेरा मतलब टॉपिक का मकसद ये था कि इसराइल और फलस्तीन की जो मामलात हैं, जो जंग है, या रशिया और यूक्रेन की जंग है, पूरी दुनिया इंडिया गवर्नमेंट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रही है, उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान से डिमांड क्यों नहीं की जा रही? मैं मतलब वो डेफिनेटली वो एक इंटरनल मैटर है कि पॉलिटिक्स और पैसे देकर जो भी होता है, आप अगर कहेंगी तो उसके ऊपर बकायदा हम बात कर लेंगे। मैं जरा चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नजर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ है, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया की, जाहिर बात है अगर मुलाकात हुई है तो नजर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, रशिया के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो वो भी चाह रहे हैं कि इंडिया बीच में आए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें वो भी बकायदा तौर पे खुद बोल चुके हैं कि अगर इंडिया चाहे तो कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, दोनों कंट्रीज की जंग रुकवा सकता है। मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ और दुनिया को भी दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम क्या पावर है एक हमारे नेबर कंट्री की, इंडिया की और उनके प्राइम मिनिस्टर की। भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और अभी भारत के पास वीटो की पावर भी आ चुकी है जिसमें 195 कंट्रीज में सॉरी 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने भारत का सपोर्ट किया वीटो पावर के लिए। भारत अभी थर्ड पोजीशन पर पहुंच चुका है जापान और रशिया को भी पीछे करके, जिस हिसाब से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है आने वाले वक्त में ऐसा भी माना जा सकता है कि भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री के हिसाब से। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी किसी के साथ बैठते हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की बात करते हैं वो कंट्री उनकी बात जरूर सुनती है, जी जरूर सुनती है।
इसलिए भी एक एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंटरवीन करते हैं तो कहीं ना कहीं शांति का एक मैसेज आ सकता है। ठीक है। पर रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पावर पोजीशन और अपने अपने कंट्री के डिप्लोमेट तरीके से उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, लेकिन इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन का चल रहा है, जिसमें किसी को भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को वो भी नहीं करना चाहिए। अब आती है दूसरी बात जिसको बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। शोएब, जी मुझे ऐसा लगता है कि हमास के लीडर का डेथ के बाद कहीं ना कहीं नसरुल्ला हिजबुल्ला को ये बात पता थी कि वो उसका भी यही हाल होगा जो हमास के लीडर का हुआ था। ठीक तो है। इसीलिए आतंकी जो होते हैं वो हमेशा गारों के अंदर छुप करके रहते हैं, गुफाओं के अंदर छुप करके रहते हैं। तो मेरा मानना है कि नसरुल्ला हिजबुल्ला ने भी बहुत बड़ी गलती की, जिस हिसाब से वो कई फुट अंदर गार के अंदर छुप करके बैठा हुआ था और नबील काउक को भी उसने एलिमिनेट किया था, जो 1980 से नसरुल्ला हिजबुल्ला के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा था। तो उसके घर में जब खुद ही 420 का काम कर गया नबील काउक, तो फिर दूसरे को गाली दे करके क्या ही फायदा है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब कहीं ईरान के चीफ की बारी तो नहीं है? और जब भी एक्शन का रिएक्शन मुसलमानों को मिलता है तो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत इधर मैं शु, चीज मैं, आप लेट मी कंप्लीट ठीक शोएब, शुरुआत जो है वो हमास ने किया, उसको है। हवा फलस्तीन ने दिया और फिर उसको जबरदस्त हवा ईरान ने देने की कोशिश की, जबकि ईरान खुद अभी खड़ा है इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी सफाई देने के लिए और यूएन में अपनी सफाई देने के लिए, क्योंकि ईरान ने जिस हिसाब से मुसलमान बेटियों के संवैधानिक राइट को, फंडामेंटल राइट को और इस्लामिक राइट को पैरों के नीचे से कुचला है, अभी वो उसका भी जवाब नहीं दे पा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में और यूएन में। और वो साथ किसका दे रहा था? नसरुल्ला हिजबुल्ला का दे रहा था, हमास का दे रहा था। तो मुझे लगता है कि एक्शन का रिएक्शन आया है और अपनी रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन की ये लड़ाई हो रही है। इधर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, जो इस टाइम हर पाकिस्तान, मतलब जो थोड़ा भी इंटरनेशनल टॉपिक्स या इंटरनेशनल अफेयर्स में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखता है, हमारे इधर एक ये कंसेप्ट बताया जा रहा है, कंसेप्ट बनाया जा रहा है कि ईरान भी बिक चुका है इसराइल के हाथों। जो हमास के लीडर की किलिंग हुई वो भी ईरान ने करवाई, ये कहा जा रहा है कि मतलब ईरान ने पैसे लिए वो करवा दिया। फिर अभी जो हिजबुल्ला के लीडर की किलिंग हुई वो भी ईरान ने करवाई, ये बकायदा तौर पे तासुर दिया जा रहा है। ये कोई आम पाकिस्तानी नहीं, बकायदा जो हमारे उलमा हजरात हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ओपनली। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और सोहेब चौधरी और नाजिल अली खान जी का पूरा डिस्कशन और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, चर्चा की प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और खासकर कैसे कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ पे कश्मीरी बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और किसके समर्थन में, फिलिस्तीन और नसरुल्ला जो कि हिजबुल्ला का कमांडर था उसके सपोर्ट में। तो आपने देखा, ये सुनते ही पूरे पाकिस्तान के मुंह पे ताला लग चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।